चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 2000 ऑन 1 जनवरी 2019। वाई एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न्स इट टू एक्स। द बिल वॉज ड्रॉन बाय एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ओइंग बाय वाई अमाउंटेड टू ₹2050। तो कुल मिला के एक्स ने वाई से 2050 लेना था और 2000 का बिल लिया और फुल सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, एक्स डिस्काउंट्स द बिल ऑन द सेम डेट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹1980। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज ड्यूली मेट बाय वाई। गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज द बिल इज डिसऑनर्ड, व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, एक्स को बिल मिला। डेट लिखी है क्या? बिल्कुल लिखी है, 1 जनवरी 2019 को बिल मिला। तो हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का मिला? 2000 का। मगर हमने वाई का अकाउंट 2050 का क्लियर किया है, मतलब वी हैव अलाउड सम डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ ₹50 टू वाई अकाउंट। कितना? 2050। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने क्या किया, वही बिल लेकर हम पहुंच गए बैंक। कुछ डेट लिखी है क्या? एक्स डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डेट। तो 1 जनवरी को ही हम गए बैंक और बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पीआर। ठीक है, बैंक में कितना पैसा आएगा अब ये देखने वाली बात है। तो डिस्काउंट हमने कराया है 1980 में, तो 1980 20 एंड हियर इज 2000। कोई दिक्कत? अब यदि बिल ऑनर होता है, यदि बिल ऑनर होता है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, बैंक खुद ही कलेक्ट करता रहेगा, हमको अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं करनी है इफ द बिल इज ऑनर। यस, बट इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, यहां पे मैं लिख देता हूं इफ डिसऑनर्ड, इफ डिसऑनर्ड देन व्हाट विल हैपन। सो द थिंग नाउ विल हैपन इज कि हमको पैसे फिर से लेने हैं। किससे लेने हैं? वाई से लेने हैं। देख लेना यहाँ पे कुछ नोटिंग चार्जेस वगैरह हैं क्या? नहीं, हमको वाई से पैसे लेने हैं। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले अपना दिमाग लगाएं, लेक्चर को पॉज करें, ट्राई करें, फिर एंट्री देखें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सो पॉज योर लेक्चर नाउ। चलो अब देखो, पॉज कर ही लिया होगा आप लोगों ने, उसके बाद रिज्यूम किया होगा अभी। तो वाई से हमको पैसे कितने लेने हैं? वाई से हमको लेने हैं 2050 रुपीज। अरे सर, बिल तो 2000 का है। बेटा 2000 का है, सही बोल रहे हो, मगर हमारा जो डेट था, जो हमें लेना था, वो तो 2050 था ना। ये तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया क्योंकि उसने हमको बिल दे दिया। अब बिल का पैसा ही नहीं मिला तो किस बात का डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट तभी जब पैसे दो, पैसे दो नहीं, फ्री में डिस्काउंट ले जाओगे क्या? तो हमें फिर से हमें 2050 रुपीज लेना है। टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 2000, और टू डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर रहा हूं मैं। ये डिसऑनर होगा तो एंट्री होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं वाई की बुक्स में। तो वाई की बुक्स में इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, यू नो, इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई ने बिल दिया। ठीक है, किसको दिया? एक्स को दिया। कब दिया? ये बात है 1 जनवरी 2019 को बिल दिया। ठीक है, तो एक्स अकाउंट डेबिट, उसका डेट क्लियर किया 2050 का और बिल दिया हमने 2000 का, मतलब हमको डिस्काउंट मिला कितने का? ₹50 का। अब यदि बिल ऑनर होता है तो क्या होगा? इफ ऑनर्ड,
फॉरवर्ड में कुछ नहीं है, बिल्स पेबल टू कैश दे दिया, 2000 बात खत्म हो गई, है ना। मगर यदि डिसऑनर होता है तो क्या होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। इफ डिसऑनर तो एंट्री होगी बीपी, ध्यान देना 2000, और ये जो डिस्काउंट मिला था इसको भी रिवर्स कर दो, ये भी रिवर्स हो जाएगा। ये किसको देना है हमें, ये देना है हमें एक्स को, कितना देना है 2050। डन डन, आई बात समझ में, सिंपल है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।